हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, समग्र शिक्षा अभियान, जी हाँ दोस्तों, समग्र शिक्षा अभियान का यहाँ तात्पर्य यह है कि पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, अब विद्यालय में दोस्तों जो पैसा आता था, जिसको विद्यालय विकास अनुदान के नाम से जाना जाता था, पहले एक फिक्स अमाउंट हर एक विद्यालय में जाता था, चाहे वहाँ पे बच्चों का पंजीकरण या नामांकन 10 हो या 100 या 1000, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत बच्चों के नामांकन के आधार पे, यानी बच्चे विद्यालय में कितने पंजीकृत हैं, उस नामांकन के हिसाब से उस विद्यालय में दोस्तों, उस विद्यालय के विकास हेतु, न केवल विद्यालय के विकास हेतु बल्कि बच्चों के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि जितने ही बच्चे रहेंगे उसी हिसाब से अब पैसा देने का सरकार ने पूरा का पूरा निर्णय ले लिया है। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालय की दैनिक या भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह अनुदान राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों को दे है, जो कि शिक्षा विभाग या पंचायती राज विभाग, KGBB विद्यालयों, शिक्षा कर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं वो भी आते हैं। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा राशि का हस्तांतरण, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में जो विद्यालय प्रबंध समिति का खाता होता है, जिसमें हेडमास्टर और गांव में जो बच्चे अध्ययन करते हैं, गांव के जो प्राथमिक विद्यालय है उनके अभिभावक में से एक सह खातेदार होते हैं, तो दोस्तों उन्हीं के अकाउंट में ये जो विद्यालय प्रबंध समिति का खाता है उसी में आता है पैसा। ये शहरी क्षेत्र के विद्यालय है तो सीधे ही विद्यालय की प्रबंध समिति या विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, वित्तीय प्रावधान आप देख लीजिए, पहले क्या था कि पहले एक मुफ्त धनराशि ही खाते में प्रेषित की जाती थी। प्राथमिक विद्यालयों में ये दोस्तों धनराशि महज 5000 रुपये सालाना हुआ करती थी, वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इससे कुछ ज़्यादा रहा करती थी। जहां प्राथमिक में 5000, वही उच्च प्राथमिक में 7500 रुपये के करीब आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में जितने इनरोल्ड हैं उसके आधार पर स्कूल को ग्रांट दी जाएगी। अगर किसी स्कूल में 1 से लेकर 15 तक के बच्चे नामांकित हैं तो वहाँ स्कूल की ग्रांट दोस्तों 12500 रहेगी, जिसमें से हेडमास्टर या प्रबंध समिति को सम्मिलित रूप से 1250 रुपये स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए स्पेंड करना होगा। जहाँ पे विद्यालय में बच्चों का नामांकन 16 से लेकर के 100 तक है वहाँ पे दोस्तों 25000 स्कूल ग्रांट जाएगी और उसमें से 2500 रुपये स्वच्छता के एक्शन प्लान पर व्यय करना है। जहाँ पे नामांकन की स्थिति 101 से 250 के बीच में है वहाँ 50000 रुपये स्कूल की ग्रांट प्रेषित होगी, जिसमें से 5000 रुपये उसका 10% हिस्सा। आप मान के चलो कि ये जो भी स्कूल ग्रांट खाते में संप्रेषित की जा रही है उसका 10% यानी 5000 रुपीज़ आप स्वच्छता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे बच्चों का नामांकन 250 से 1000 के बीच में है वहाँ 75000 रुपये स्कूल ग्रांट जाएगी, जिसमें से 7500 रुपये आप जो है स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के लिए खर्च कर सकते हैं। और जहाँ पे 1000 से ऊपर का नामांकन की स्थिति है
वहाँ दोस्तों 1 लाख जो है रुपीज़ जाएगी, जिसमें से 10,000 रुपये स्वच्छता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों बात यहाँ हो रही है कि प्राप्त कंपोजिट स्कूल ग्रांट राशि में से निर्धारित राशि स्वच्छता एक्शन प्लान पर व्यय किया जाना है। तो 10% जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10% स्वच्छता एक्शन प्लान में होना है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का उपयोग निम्न सामग्री को क्रय करने या उसके कार्य में आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं। बिंदुवार दोस्तों हम आपको बताएंगे। पहला बिंदु है विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु। जो भी विद्यालय में उपकरण हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हों या कंप्यूटर हों या जो भी आपके यहाँ विद्युत से संबंधित फैन हों या जो भी आपने एलईडी टीवी लगा रखा है बच्चों के, तो अगर वो अक्रियाशील हो गए हैं ऑपरेटर्स, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको आप प्रतिस्थापित कर देंगे, उसे हटा देंगे। इस हेतु आपको क्रय तो करना ही पड़ेगा। दूसरा बिंदु है दरी पट्टी या दरी क्रय करने हेतु। बच्चों के लिए दरी पे बच्चे बैठते हैं तो आप चटाई या दरी खरीद सकते हैं। तीसरा बिंदु है दोस्तों श्याम पट्ट मरम्मत एवं रंग रोगन या ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। दोस्तों इस समय चल गया है क्योंकि चौक जो है कैल्शियम कार्बोनेट रहती है और वो जो है हमारे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, बच्चों को सांस लेने में या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड का जो के साथ जो चौक का यूज़ होता था उससे बचा जा रहा है। कोशिश ये किया जा रहा है कि ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड अगर कहें, क्योंकि ग्रीन बोर्ड पर भी दोस्तों चौक का प्रयोग होता है, ऐसी स्थिति में व्हाइट बोर्ड ही सबसे बेस्ट है। उसके लिए आपको मार्कर का प्रयोग करना होगा। आदम का दर्पण कार्मिकों का फोटोयुक्त विवरण तैयार करने में, तो दोस्तों आप जानते हैं कि जिस विद्यालय में जितने भी कार्मिक काम करते हैं उनका एक फ्लेक्स बोर्ड पे सारा फोटोयुक्त विवरण रहता है, तो फ्लेक्स बोर्ड को तैयार करने में भी आप इस कंपोजिट ग्रांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौक डस्टर क्रय करने में भी किया जा सकता है। अभी तक तो परंपरागत रूप से यही व्यवस्था चली आ रही, चौक डस्टर और ब्लैक बोर्ड। परीक्षा संबंधी स्टेशनरी क्रय करने हेतु आप प्रयोग कर सकते हैं। एग्ज़ाम होता है दोस्तों अर्धवार्षिक वार्षिक या सत्र परीक्षाएं, या शिक्षक अपने से कुछ परीक्षाएं कॉम्पिटिटिव बच्चों की रख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कंपोजिट ग्रांट का प्रयोग स्टेशनरी को क्रय करने हेतु कर सकते हैं। पेयजल व्यवस्था विद्युत व्यय हेतु, पानी की व्यवस्था में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आता है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दैनिक समाचार पत्र अनिवार्य, एक आप जो है पेपर भी मंगा सकते हैं। दैनिक समाचार पत्र अगर चाहें तो आप विद्यालय के लिए बिल्कुल मंगा सकते हैं और उसका जो मंथली बिल है उसको आप लगा सकते हैं। विज्ञान या गणित किट सामग्री के प्रास्थापन पर व्यय, विज्ञान और गणित की किट, साइंस और मैथमेटिक्स की किट विद्यालय में अगर आप लगाते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं, तो जो भी खर्चे होते हैं आप कंपोजिट ग्रांट से बिल्कुल निसंदेह बेशक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर नवा बिंदु है विज्ञान व गणित विषय के ई कंटेंट क्रय पर कल्प लैब हेतु उपलब्ध करवाना। तो ई कंटेंट चूँकि अगर आपका लैब है तो ई कंटेंट हैं उसको आप परचेस कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंटेंट हैं वो आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बेसिक स्कूल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जो उच्च प्राथमिक स्कूल हैं वहाँ पे ये बात आती है, प्राथमिक स्तर पे तो ऐसी बात नहीं है। दसवां बिंदु कहता है प्रतियोगिताओं का भी आप आयोजन कराते हैं विद्यालय में समय समय पर, खेल सामग्री आप खरीद सकते हैं। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। 11वां बिंदु कहता है अग्निशमन यंत्र के सिलेंडर में गैस भरवाने हेतु। दोस्तों अग्निशमन यंत्र बहुत ही आवश्यक यंत्र है, बहुत ही विद्यालय की सुरक्षा का जो मानक है दोस्तों बिना इस यंत्र के पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि आज विद्यालयों में कोई भी विद्यालय हो आप देखते हैं कि मिड डे मील की व्यवस्था बच्चों के लिए की जाती है, वहाँ पर ग्रामीण स्तर पर रसोइयाँ कार्य करते हैं, किसी भी समय अग्नि प्रज्वलित होकर के
कोई थोड़ी सी लापरवाही से अग्नि का प्रज्वलित हो जाना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में अग्निशामक यंत्र अगर नहीं होगा तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए अग्निशामक यंत्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है उसको भरवाने हेतु आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रेफर किए गए विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने हेतु किराया, जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग करता है अगर वो कहीं भी बुलाया जाता है तो बच्चों का जो किराया है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रखरखाव हेतु एवं मरम्मत हेतु इंटरनेट संबंधी कार्य आप करते हैं तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वार्षिक टूट फूट मरम्मत एवं सौंदर्यन, जो भी विद्यालय में खिड़की दरवाजे से लेकर के या ऐसे टूट फूट कुछ है तो उसकी मरम्मत का कार्य कर सकते हैं। विद्यालय भवन, शौचालय, मूत्रालय या अन्य व्यवस्थाएं, शिक्षण अधिगम सामग्री आप खरीद सकते हैं। अन्य उपयोज्य सामग्री जैसे झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग आदि छात्र हित में अन्य आवर्ती मद हेतु। तो दोस्तों ये तो रहा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे कि कंपोजिट ग्रांट में जो 10% राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित की गई उसमें से आप क्या क्या खर्च करेंगे। पहला बिंदु है विद्यालय के शौचालय या मूत्रालयों की साफ सफाई हेतु वांछित सामग्री जैसे एसी, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए आप कर सकते हैं। दूसरा 10% धनराशि का प्रयोग विद्यालय के शौचालय मूत्रालयों को नियमित रखरखाव MDM से पहले व शौचालय के बाद छात्र छात्राओं को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए, शौचालय या मूत्रालय की माइनर रिपेयर करवाने के लिए, शौचालय या मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखाने के लिए, बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु, कक्षा कक्षों एवं विद्यालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय करने या तैयार करने हेतु, बालिका शौचालय के साथ इंसिनेटर लगाने या निर्माण करने के लिए, नवा है पेयजल स्रोत को ठीक करवाने के लिए। तो दोस्तों इतना जो है आप जो कंपोजिट स्कूल ग्रांट है जो पैसा आपको मिला है उसको आप बाकायदा रसीद के साथ इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। रसीद आप रख के रहिए, मौके पे अगर मांगा जाए तो आप इसको बिल्कुल दिखाइए। तो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पर कमेंट करना। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।